तो गए सोनपुर यागप, यहाँ से रह गया सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। 13 किलोमीटर दूर मतलब आधा पौना घंटा में लग जाएगा जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। यहाँ पर ये चल नहीं सकते। 13 किलोमीटर सामने बोर्ड पर लिखा हुआ था, 13 किलोमीटर रह गया। और ये विक्रम तो आगे निकल चला थोड़ा। इसकी बाइक है ना, बाइक क्या इतनी ज़्यादा स्लिप नहीं होती, बाइक सही चल जाती है, कीचड़ वगैरह पर सही निकल जाती है। उजाले में करते रहो ट्रैवल तो बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे उजाला खुल रहा, रास्ता दिख रहा है, पता चल रहा कोई आगे आ रहा है, ओवरटेक कर रहा है, कहाँ से क्या है सामने। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि भाई लाइटें नहीं पड़ती सामने वाली गाड़ियों की, वरना डिपर जो पड़ते हैं ना आँखों पे कुछ नज़र नहीं आता। अभी हमारे आगे चल रही है ट्रैवलर की गाड़ी, इसको देखता हूँ ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ। अरे चला तो बढ़िया ही रहा है, जो कह गया भाई बंदा। तो थाना मैंने जाना, होगा मुश्किल या आसान। दोबारा ट्रैफिक लग गया गाइस, गाड़ी वाला पता नहीं कहाँ ले रहा है उल्टी साइड। स्कूटी वगैरह तो ठीक है, फिर भी कई साइड्स में एडजस्ट हो जाएंगी, बट गाड़ियाँ अगर इस गाड़ी की वजह से आगे जाम लगा ना, ये बैक भी नहीं ले पाएगी उसके बाद, इतना स्पेस ही नहीं होगा। स्कूटीज़ का यही फ़ायदा है, यहाँ पे आराम से निकाल लो, जाम में नहीं फंसोगे ज़्यादा। मेरे ख्याल से अगर हम रात को आ रहे होते हैं ना यहाँ पे, अगर इनकेस मतलब 1% अगर हम आते भी ना, तो ट्रक ट्रैफिक नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पे रात को लोग निकलते ही नहीं ज़्यादा। हाँ हमारे साथ कोई चल ही नहीं रहता इतना। विक्रम को कह रहा हूँ मैं, रोक रोक के चल, आराम से साथ में चलेंगे, क्या भरोसा कुछ हो जाए इनकेस तो क्या होगा। झरना देखो गए, ये झरने के बाद रात को अंधेरे में हमें इतना डर लग रहा था झरने की साइड देखने में, कि एक साइड झरना और दूसरी साइड खाई। भाई साहब इतना डर लग रहा था हमें उस टाइम पे, हम देख ही नहीं रहे, बस सीधा सीधा रास्ते पे फोकस कर रहे हैं और निकाल रहे हैं गाड़ियाँ अपनी बस। नाम देखो अचानक ढाबा, ढाबे का नाम था अचानक। अब आगे आने वाला ये ब्रिज, ये चेक करो गाइस, अब फुल आने वाला भाई। मैं इस पे इसके ये देखो इसके ऊपर लूंगा नहीं, यहाँ पे लूंगा नहीं गाड़ी, ये बहुत स्लिपरी है भाई। यहाँ पे गाड़ी लेना ना डिफिकल्ट है, स्लिपी है, क्योंकि रिस्क लेने वाली बात है, तो इसके ऊपर गाड़ी यहाँ पे नहीं लूंगा मैं। आराम से जो रास्ता है वहीं पे निकालूंगा, ऊपर से शायद है, हाँ वो यहाँ से निकाल लेता हूँ, सेफ है। अब इन बेचैनियों के पारे मैं जाओ कहाँ, ये तो दिल की आवाज है, चाहे जाने क्या भला, पर है जाने किन दिशाओं की है हवा। मैं तो खामोश लहरों पे बहती। ये चेक कर गाइस, ये चेक कर, वाह वाह, जब ये चेक करो भाई, ओ भाई बैक साइड पकड़ रहा है वो गया। ये झरना भाई, ये वही झरना जो रील्स पे देखते थे हम, ये वही झरना भाई, ये वही झरना है। और दूसरी साइड गाइस खाई है एकदम भाई, मजा सा भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, और बगल में घोड़े चल रहे हैं हमारे। नीचे जैसे कह रहा था यहाँ से हाथ निकाल के, क्यों नहीं? अच्छा वो क्या कर रहा है वो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई भाई ये था मस्त यार, कुछ ही कहो, ये था मस्त, फुल एडवेंचर चल रहा है। अगर यही हम बस में बैठे होते तो कर पाते हैं क्या गाइस? नहीं किडिंग, हाँ बट फिर भी नहीं कर पाते इतना तो। भाई साहब मतलब इतना इतना मोटा ना, इतना मोटा गड्ढा कह रहा हूँ, इतना मोटा सा भरा हुआ, मतलब मिट्टी का वो
भाई स्कूटी के टायर तो उसके अंदर निकल नहीं रहे स्कूटी के टायर, और भाई मेरे को पैर लगाने पड़ गए, और पैरों की हालत देखो क्या हो गई। अब एकदम सनलाइट आ चुकी है भाई हमारे हमारे चेहरे पे, अब जाके हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लगी थी रात को, जैकेट वगैरह पहन रखी थी हमने, बट फिर भी ठंड लग रही थी। हमने घर बने हुए हैं यहाँ पे लोगों के पहाड़ों पे, मेरा भी ऐसे घर है भाई पहाड़ों में। ब्लॉग वगैरह देखे होंगे अगर आपने मेरे, नहीं देखा तो कभी दोबारा जब जाऊँगा घर तब दिखाऊँगा आपको। ऐसी रोड रहती हैं स्मूथली, गाड़ी खींच दी आराम से। गाड़ी वाला कितना कितना बाहर लेके आया ये वाला, तो आगे वाले को दिक्कत हो जाए। इतनी बाहर से निकाली उसने गाड़ी की मेरे को होगी कि मैं अंदर लेनी पड़ेगी मेरे को एकदम से। फिर लोग तो वापस आ रहे हैं सुबह सुबह, जिन्होंने यात्रा पूरी कर ली अपनी केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए केदारनाथ बाबा के। अब हमारी बारी है, फाइनली बुलावा आ गया हमें भाई। काफ़ी टाइम से हम प्लान बना रहे थे, हम मतलब लगा लो आप गए हम कितने टाइम से प्लान बना रहे थे, हमें ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे यहाँ पे हमें जाना, लेकिन प्लान ऐसे बनते कैंसिल हो रहे हैं। पहले मेरे दूसरे दोस्तों के साथ भी प्लान बना था कि हाँ इनके साथ मतलब जाना है, लेकिन उनकी जॉब वगैरह या फिर कुछ और लेके तो बन नहीं पाया प्लान उनके साथ। उनके साथ बना जैसे तैसे करके बना हमारा प्लान अगस्त में था आने का, हम अगस्त में आने चाहते थे, अगस्त में मेरा बर्थडे आता है गाइस इफ यू नो। तो आई वॉज प्लानिंग टू कम इन माई बर्थडे कि मेरा बर्थडे जो होगा वो यहाँ पे हो जाए सेलिब्रेट, आई मीन कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन यहाँ पर हूँ, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम्स और जो दोस्तों के साथ। तो बस उसको लेके भाई अपन को फिर इसी टाइम ही सेप्टेम्बर का प्लान बनाया हमने कि हम सेप्टेम्बर में ही चलेंगे, और सेप्टेम्बर से बट हम नहीं चाहते थे कि सेप्टेम्बर से ही अक्टूबर हो जाए, हम इसको एक्सटेंड करना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। तो बस हमने प्लान बनाया, हम तो संडे को निकल रहे थे, लेकिन हम तो उसको निकल गए, क्या कहते हैं सैटरडे को, हमने कहा भाई सैटरडे को निकल जाओ, हम सैटरडे को निकल गए। दोबारा जाम लग गया एक साइड, लेकिन अपन तो स्कूटी वाले हैं भाई, साइड से निकाल लेंगे, बीच में तेरा रास्ता है। गाड़ी वाले हैं जो फोर व्हीलर हैं वन बाय वन ही चली गई, ये नहीं चल सकते ऐसे इधर, जैसे दिल्ली में होता है ना गाइस दिल्ली में, हाँ भाई जाम लग रहा है चलो भाई दूसरी रोड खाली है, लो भाई दूसरी रोड पर डाल देते हैं गाड़ी चलो। दिल्ली में तो यही होता है अक्सर, पेशेंस लेवल तो है ही नहीं किसी के अंदर, यही करते हैं दिल्ली में तो सारे के सारे बस वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हम, यहाँ पे वन बाय वन ही चलना पड़ेगा, रास्ता देना दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाय द वे आई वाज किडिंग अबाउट, नॉट किडिंग, ऐसे ही बोल रहा हूँ, जनरली करते हैं लोग ऐसा दिल्ली में, तो बस डोंट माइंड ओके। ट्रक रन निकाल, अच्छा ट्रक खड़ा है कि आई डोंट नो क्या है, चल तो रहा है, आगे निकाल क्यों नहीं रहा, स्टार्ट भी है। यहाँ मोस्टली रोडें गीली हो रखी हैं, ये देखो इस रोड पे 2 गाड़ियाँ निकल रही हैं, निकलना अभी निकल रही हैं 2 गाड़ियाँ, 2 गाड़ियों में एक साथ निकलना इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे। ओ ये देखो ओ भाई साहब ये सामने पहाड़ कितना जीप सा, और यहाँ पानी नीचे, ओ भाई साहब भाई बहुत ही पतला रास्ता ये, और इस रास्ते पे काइंड ऑफ डिफिकल्ट, हाथों में दर्द हो जाते हैं भाई इनको एडजस्ट करते करते, हाथों में मतलब इतना दर्द जाता है हैंडल को स्टेबल करते करते। और विक्रम तो नज़र नहीं आ रहा, वो हमेशा ही गायब हो जाता है, पता नहीं क्या निकालता है वो गाड़ी, श्या श्या श्या। ठीक रोड हो गई खींच सकते हैं, बट फिर भी गीली है, टायर भी ऑलमोस्ट गीले हो चुके हैं, वो लग गई कीचड़ भी लग चुका है भाई, तो वो नॉट टेक रिस्क एट ऑल। सो अब भाई पहुंच चुके हैं हम सोनप्रयाग, और ये सोनप्रयाग से आगे अपनी गाड़ी लेके जा नहीं सकते आगे, तो ये साफ साफ मैंने उन्होंने बनाए कर दिया है, सारा पार्किंग का स्पेस यहीं बना रखा है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी की सारी यहीं पर पार्किंग में लगेंगी, तो यहीं पर लगा रहे हैं हम पार्किंग में भाई साहब, ये रही भाई सारी की सारी पार्किंग यहीं पर है, गाड़ियाँ जितनी भी है सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं लग रही हैं भाई साहब, ये देखो गाड़ियाँ स्कूटी होगी सारी की सारी यहीं लग रही हैं।
लैन में है क्या? ऑलराइट सो गाइस, अभी हमने पार्क कर दी अपनी बाइक और स्कूटी भाई। यहाँ पे यहाँ काफी ही बड़ी पार्किंग है वैसे बना रखी है। मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा भाई, मैंने कहा अरे भाई ये क्या है, मेरे को लगा कोई बिल्डिंग सी होगी, लेकिन यहाँ पे तीन या चार फ्लोर की पार्किंग बना रखी है अंडरग्राउंड में, उसके बाद ऊपर स्पेस बना रखा है। तो चार फ्लोर की मतलब लगभग तीन या चार फ्लोर की पार्किंग है, मतलब आराम से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ सकती है इसके अंदर और बढ़िया से सारी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। अब गाड़ियाँ तो हमने पार्क कर दी है और ये हमारे देखो कुली भाई कोले अपना बैग लेके जा रहा है। तो अब यहाँ पर इससे आगे जो केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, यहाँ पर मतलब गोरीकुंड का, तो मेरे ख्याल से पता नहीं नो आइडिया कितना किलोमीटर है, तो यहाँ से उसके लिए हमें टेम्पो लेना पड़ेगा और टेम्पो से जाएंगे हम आगे। तो जो मेनली गाड़ी सिर्फ यहीं तक आती है, चाहे गाड़ी हो स्कूटी कुछ भी हो, यहीं तक जाती है, उसके बाद यू गाइस हैव टू टेक टेम्पो, ठीक है? तो टेम्पो लेंगे और चलेंगे आगे, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो फाइनली अब हम भाई रेडी हो चुके हैं सोन प्रयाग में, हमने खाना खाया ब्रेकफास्ट करा अपना, अब रेडी हो चुके हम जाने के लिए सोन प्रयाग से। यहाँ पर गाड़ी मिलती है 50 रुपये पर पैसेंजर, और यहाँ थोड़ी केदारनाथ के नीचे जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पर पहुँच के और वहाँ से मिलेंगे। और भाई यहाँ पे गाड़ी अपनी फुल टाइट हो चुकी है, देखो चलते दो बैठे हम पीछे, ये हैं दो के तीन बैठे, तीन बंदे पीछे बैठे और आगे देखो भाई ये है। तो गाइस 5-10 मिनट का रास्ता यहाँ से भाई, वो शंकर भगवान की जय। तो गाइस एक्चुअली क्या सीन हो गया, आगे जाम लग गया काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे गाड़ियाँ फंस चुकी है, तो यहाँ से गाड़ियाँ तो आके जा ही नहीं पा रही थी। तो हम थोड़ा ही आगे आए 2 किलोमीटर से गाड़ी से आए होंगे, तो 2 किलोमीटर तक गाड़ी से आ गए, उसके आगे हम उतर गए, फिर यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगा है। देखो कहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी दिख रही है, ये पूरी गाड़ियाँ वहाँ वहाँ तक खड़ी है भाई साहब, आगे कुछ गाड़ियाँ जा ही नहीं रही सारी, देखो यहाँ तक लंबा जाम लगा पूरा पीछे तक। तो भाई हम जा रहे उतर गए, अब पैदल ही जा रहे हैं हम आगे, फिर आगे से चोटी शुरू होगी केदारनाथ की चढ़ाई। हरे हर महादेव, अरे गणे पति अप्पा, सारे के सारे उतर गए यहाँ पे, कि बहुत ही जाम लगा हुआ है, और पहुँच गए भाई यहाँ पे केदारनाथ फुट ट्रैक 16 किलोमीटर केदारनाथ माग। तो अभी यहाँ से डायरेक्टली चढ़ाई, अब हमें यहाँ से जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बारी जो बाकी सारे अपने दोस्त हैं 5 सौरभ वगैरह ये सारे 5 के 5 काफ़ी हमसे आ गई हैं, जिन्होंने कहा आधा 1 घंटे पहले कॉल आया था हमसे, ये कह रहे थे 4-5 किलोमीटर की इन्होंने ऑलरेडी चढ़ाई कर ली है। तो अभी तो हमने जो स्टार्ट ही करा है, लेट्स चेक दिस आउट, क्या करते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, हमें साथ में मिलना है, चाहते हैं हम कि साथ साथ में ही पहुँच जाएँ, तो चलो देखते हैं। ये अंकल हैं ये लेके जा रहे हैं इनको, कंधे पे तो बिठा के लेके जाते हैं, देखो अच्छे देखो ये अंकल कह रहे हैं अरे ये बहुत भारी है। ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जो भी काफ़ी सारे एजेस लोग हैं जो चल नहीं पाते, जल्दी इनके साथ फुल डालते हैं, चढ़ने में दिक्कत है तो बेसिकली वो यूज़ कर सकते हैं। ये पूछा नहीं मैंने वैसे क्या इनका प्राइस क्या है, बट नहीं मतलब ऊँचा घोड़े चाहिए नहीं यार, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पैदल ही चलना भाई, हमने डिसाइड तो ये करा है, घोड़े वगैरह कुछ नहीं लेंगे हम, पैदल ही ट्रैकिंग करेंगे जितना हो सकता हमसे, देखते हैं। अरे स्टार्ट ही हुआ यार, देखते हैं, वो भी सौरभ वगैरह सारे आ गए हमसे, बस उन्हें पकड़ना है हमें जल्दी से, फिर साथ में सारे के सारे चढ़ेंगे और साथ में अगर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चेक दिस आउट, यहाँ पर घोड़े कैसे उतर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये गड्ढा बना हुआ है यहाँ पे, ये गड्ढा यार ये रहा गड्ढा, यहाँ पे घोड़े कैसे जब मार रहे हैं आप, ओ भाई साहब कुछ तो बड़े प्यार से आ जा रहे हैं घोड़े आराम से, इनका काफ़ी सारे घोड़े जो डर रहे हैं तो एकदम जम मार रहे हैं, और जो बैठे हुए भाई इनके ऊपर ना उनकी तो क्या हालत हो तेरी, और ये झरना यहाँ पे भाई। चलो अब हम भी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, लेकिन यहाँ पे पहले घोड़े आ रहे हैं, ये आधे पहले के पहले यहाँ पे सारे के सारे इधर, फिर मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, बाकी तीनों ये आगे ही निकल गए थोड़ा सा, और ये झरना देखो भाई साहब,
जूता गीला हो जाएगा और हो ही गया, जूता गीला हो गया भाई, पानी के अंदर डाल दिया जूता, पानी के अंदर जूता डाल दिया भाई, मेरा गीला हो गया मेरा जूता। वैसे मेरा जूता गंदा हो गया था वहाँ पे जब स्कूटी लेके आ रहा था, अब तो और ज़्यादा हो गया वहाँ पे। हाँ है कहाँ है तू।